नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं नेपाल के भूकंप की और भारत के प्रति नेपाल के रुख में आए बदलाव की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, ऐसा क्या हुआ कि जो कल तक नेपाल जो भारत की तारीफ कर रहा था, अचानक उसके रुख में बदलाव आ गया? जी जाला जी, ये मुझे लगता है कि एक थोड़ा गंभीर मसला है और इसको एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से भी जोड़ के देखना होगा, लेकिन कुछ स्थानीय हालातों का भी जायजा हमें लेना होगा। दरअसल एक तरफ तो नेपाल के प्रधानमंत्री खुद देश में नहीं थे और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट की वजह से उन्हें इतने बड़े हादसे के बारे में जो उनके देश में हो गया पता लगा। और भारत ने जो तत्परता दिखाई, जिस तरीके से वहाँ सहायता पहुँचाई, जिस तरीके से अचानक हमारे यहाँ के सारे सेना NDRF के जवान वहाँ सहायता करने पहुँच गए, उसको लेकर बहुत सारी तारीफ दुनिया भर के मीडिया में हुई। BBC ने, CNN ने, दुनिया भर के बड़े प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने भी भारत के इस कदम की सराहना की। और उसके बाद अचानक कुछ खबरें इस तरह की भी आई थी कि चीन के द्वारा जो इस मामले को लेकर तत्परता नहीं दिखाई गई, तुरंत कार्रवाई नहीं कर पाया, उसको लेकर वहाँ आलोचना भी हुई है। इस तरह की बातें भी सामने आई है कि वहाँ पर जो कमर्शियल एयरलाइंस थी उनके भरोसे चीन के जो निवासी हैं उनको बाहर निकालने का काम छोड़ दिया गया, तगड़े पैसे वसूले गए। और मुझे लगता है कि इस सारे मामले में कुछ न कुछ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ने भी काम किया है, क्योंकि शायद भारत का वहाँ नेपाल में जाकर इस तरह छा जाना, मदद पहुँचाना, जो कि एक मानवीय पहलू था और मानवीय आधार पर ही ये मदद पहुँचाई गई थी। कोई हम वहाँ रहने के लिए नहीं गए थे, हमारी सेना कोई वहाँ जाकर अपनी सामरिक ठिकाने नहीं बना रही थी, वो केवल मदद के लिए वहाँ गई थी। और सेना इसलिए गई थी क्योंकि जो घरेलू उड़ानें थी वो वहाँ जा पाना उस वक्त संभव नहीं था, मौसम खराब था, सेना को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो एवरेस्ट के पर्वतारोही थे उनको भी निकालने की कोशिशें हुई, काम हुआ। पर मुझे लगता है कि अगर तो केवल ये पीड़ा है कि वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो बाहरी जो मदद आ रही है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, या उसकी वजह से उनका जो जनजीवन है उस पर सकारात्मक की बजाय नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तब तो मुझे लगता है कि नेपाल के इस कदम को समझा जा सकता है। लेकिन इसके पीछे अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है तो ये गंभीर बात है और इस पर हमें सोचना होगा। यदि कि NDRF की टीम को तो लौटाया ही है नेपाल से, लेकिन मीडिया की, भारतीय मीडिया की भी आलोचना बहुत हो रही है। ये एक और दूसरा महत्वपूर्ण मसला है। इसमें मुझे लगता है इसके भी दो अहम पहलू हैं। एक तो ये है कि जिस तरीके की त्रासदी थी, आप देखिए कि लातूर में जब भूकंप आया था तो 5-6 दिन तो ये पता लगने में लग गए थे कि त्रासदी कितनी बड़ी है, उसका पैमाना क्या है, कितनी भयावह पीड़ा से वहाँ के लोग गुजरे हैं, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं था। दूसरी ओर कच्छ का भूकंप जब आया तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नया था, उसका प्रभाव बस बढ़ ही रहा था। और उस वक्त हमने कुछ इस तरह की घटनाएँ देखी थी कि जो भूकंप के मलबे में लोग दबे हैं उनसे ये सवाल पूछा गया था कि आपको कैसा लग रहा है। तो ये मीडिया का पीड़ादायक पहलू है और ऐसा नहीं होना चाहिए। नेपाल का जहां तक सवाल है, केवल भारत का नहीं दुनिया भर का मीडिया वहां पहुंचा है कवरेज करने के लिए। और यह बात सही है कि यह कोई थ्रिलर नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, सच्ची जिंदगी में लोगों की जिंदगी में भूचाल आया है, लोग मरे हैं, सचमुच की इमारतें गिरी हैं, कोई सेट नहीं लगाया गया था। लेकिन मानवीय जीवन भी इसी से भरा है। हम असल में वो रोमांच पर्दे पर पैदा करते हैं इसीलिए ना कि कहीं ऐसा हो जाए तो, और जब वैसा सचमुच हो जाता है तो वो एक अलग तरह का मनुष्य के मन में भय पैदा करता है। और उस तरह की जो तस्वीरें हैं वो मनुष्य को बार देखता है और उससे सिहरता भी है। उसमें एक सीमा तय होनी चाहिए, क्या हम उसको एक ड्रामे के रूप में पेश कर रहे हैं या एक त्रासदी की सच्ची तस्वीर दुनिया के सामने लाना चाह रहे हैं। इसके बीच में लाइन खींचकर अगर काम हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि मीडिया ने बहुत हद तक सकारात्मक भूमिका ही निभाई है, कोशिश की है कि उस त्रासदी का हर पहलू लोगों तक पहुंचे। एक बड़ा दुखद पहलू ये भी है कि नेपाल खुद इस तरह के हादसे के लिए, आपदा के लिए तैयार नहीं था। वहाँ भूकंपरोधी मकान नहीं बने थे, सरकारी मशीनरी को तो एक्शन में आने में, हरकत में आने में 2 दिन से ऊपर का समय लग गया। 2 दिन में तो जितने लोगों की जान बचाई भी जा सकती थी वो खत्म हो गए, जो बचाई है वो किसी फ्रेंच दल ने, किसी भारत के NDRF ने, किसी चीनी दल ने। और ऐसी ऐसी कहानियां सामने आई, आप देखिए कि कहां ज्यादा किस्से सामने आए कि नेपाल की सेना या पुलिस या वहां के लोग तो गायब थे, टेलीफोन पर नहीं मिल रहे थे, अपने दफ्तरों में नहीं थे। यह भी है कि वो डरे हुए थे, इसलिए उनको भारी मदद की जरूरत थी। इसलिए भारत का मीडिया पहुंचा, मीडिया ने बल्कि कई बार ये बताया कि यहां पर हादसा हुआ है। बहुत सारा जो राहत और बचाव का कार्य है वो काठमांडू और उसके आसपास तक सीमित हो गया था। मीडिया के लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर, ऐसे किस्से भी हैं कि दूर दराज के इलाकों तक का सफर किया, हवाई सफर किया और पता लगाने की कोशिश की कि वहां हादसे की जो भयावहता है वो कितनी है। अब कुछ लोग अगर ये अपेक्षा करें कि मीडिया का दल साथ में राहत सामग्री भी ले जाए,
कई बार व्यवहारिक रूप में ये संभव नहीं है कि वो इतना हाँ, पर ये भी मेरे को किससे पता है, मेरे अपने मीडिया के दोस्तों के जरिए पता है कि वो जब भारत से कवरेज के लिए वहां गए थे तो अपने साथ जो बिस्किट और चिप्स के पैकेट वो अपने खुद के लिए ले गए थे। जब उन्होंने लोगों को पीड़ा में देखा, तकलीफ में देखा, खाना नहीं था तो उन्होंने अपना बिस्किट और चिप्स के सारे पैकेट और ऐसा सामान जो वो लंबे सफर के लिए अपने साथ ले गए थे वो वहां के लोगों को दिया है। तो इस तरह के किस्से भी सामने आने चाहिए। कुछ हद तक कई मामलों में कुछ मीडिया के साथियों ने हो सकता है इस सीमा रेखा को लांघा है, वो इसको एक रोमांच के रूप में कवर करने के चक्कर में अपनी मीडिया की मर्यादाओं को लांघ गए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे मीडिया ने कोई गलत काम किया है और उस सारे मीडिया को। मुझे एक और आश्चर्य इस बात का है कि जिस नेपाल में टेलीफोन लाइनें तक दुरुस्त नहीं हो पाई है, जिस नेपाल में पत्रकारों को भी इंटरनेट कनेक्शन ठीक से नहीं मिला है अपने समाचार पहुंचाने के लिए, उस नेपाल से अचानक कैसे एक ऐसा हैशटैग उभरता है कि गो इंडियन मीडिया गो बैक। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश या षड्यंत्र जरूर होगा जिसके तहत भारतीय मीडिया के द्वारा व्यापकता से किए जा रहे कवरेज को सही नहीं माना गया। अगर मीडिया के साथियों ने सीमा रेखा लांघी है अपनी कवरेज की पत्रकारिता की तो वो गलत है, मैं उसका बचाव कतई नहीं कर रहा हूं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके से राहत और बचाव में भी और मीडिया के मामले में भारत के नजदीक था, नेपाल बहुत करीब है, जाया जा सकता है, ये भी एक कारण रहा कि इतने सारे लोग। अब आप देखिए कि इस तरह तो उत्तराखंड की भी जो त्रासदी हमने अभी एक सवा साल पहले देखी है उस वक्त भी आप देखिए कि मीडिया का दल बहुत संख्या में वहां गया था। इस बार भी केदारनाथ में जब रास्ते नहीं खुले थे, सरकार रास्तों को नहीं खोल पाई थी 3 महीने पहले तक, तब भी मीडिया के दल ने अपनी जान जोखिम में डालकर यह बताने की कोशिश की थी कि कैसे अभी तक लाशें उठाने का काम तक नहीं हुआ है और कंकाल वहां पर पड़े हुए हैं और लाशें सड़ रही हैं और उनसे बू आ रही है। तो अपनी जान भी जोखिम में डालकर अब जैसे वहां पर यह भी एक चेतावनी दी गई थी कि बाद में और बड़े भूकंप आ सकते हैं और जो आफ्टर शॉक्स हैं वो कई मामलों में थोड़े ज्यादा गंभीर भी हो सकते हैं, यह पता होने के बावजूद यदि मीडिया के लोग वहां गए हैं तो हमें सराहना करनी चाहिए कि हमें अपने घर पर बैठकर टेलीविजन सेट के सामने या अखबारों में पढ़कर यह पता लग पाया कि वहां दरअसल हुआ क्या है। और वहां सबसे बड़ी कमजोरी तो यह है कि नेपाल की सरकारी मशीनरी बुरी तरीके से फेल हुई है, उनके पास कोई तैयारी नहीं थी इतनी बड़ी आपदा से बचने के लिए। तो उसको स्वीकार करके बाहरी मदद को स्वीकार करने की बजाय अगर उन्होंने मदद को और मीडिया को वापस भेजने का कदम उठाया है तो मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं लगता कि इसके माध्यम से नेपाल सरकार जो है अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश कर रही है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बात हो सकती है। दूसरी बात, मुझे लगता है किसी प्रकार का कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो कहीं नेपाल के ऊपर नहीं है कि भारत की नेपाल में बढ़ती हुई पैठ, चाहे वो भूकंप के बहाने से ही सही वो किसी को लेकिन हमने भूकंप को कहीं भी बहाना नहीं माना है। हमने ये कहा है कि हमारा पड़ोसी जो है वो मुश्किल में है। नेपाल और भारत के बहुत घनिष्ठ सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्तर पर चाहे कड़वाहट दोनों के बीच में समय समय पर आती रही हो लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक घनिष्ठता, आप देखिए वहां शिव जी के मंदिर हैं, वहां तमाम हिंदू राष्ट्र था, अभी तक कुछ समय पहले ही उसने अपने आप का हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म किया है। और जिस देश के साथ हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध इतने प्रगाढ़ हों, जब हमारे यहां पर एक पूरी की पूरी गोरखा रेजिमेंट हो जिसको हम भारतीय सेना में शान से देखते हैं, जब हम देखते हैं कि नेपाल से आए हुए साथी बंधु हमें कई जगहों पर सेवा देते हुए नजर आते हैं, कई भी हम देखते हैं कोई नेपाली गोरखा यदि हमारी पहरेदारी कर रहा है तो हमारा भी सिर्फ फक्र से ऊंचा हो जाता है। ऐसे घनिष्ठ संबंधों के बीच जब दो देश आगे बढ़ते हैं और किसी पड़ोसी पर आपदा आती है और हम उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो उसे यदि कूटनीतिक और राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगेगा तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। जगदीप जी, नेपाल के प्रधानमंत्री ने तो खुद कहा है कि भारत जैसा पड़ोसी होना सौभाग्य की बात है। हाँ, इसीलिए ये और ज्यादा आश्चर्यजनक है कि क्या सचमुच एनडीआरएफ की मौजूदगी, मीडिया की बात अगर हम छोड़ भी दें तो क्या सचमुच हमारे आपदा प्रबंधन दल की वहाँ मौजूदगी उनके लिए वरदान थी, मददगार थी या तकलीफ देह थी, ये आने वाला वक्त बताएगा। किस तरह की तकलीफ उन्हें आपदा प्रबंधन दल के वहाँ मौजूद होने से हो रही थी ये भी अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन एक तरफ जब ऐसे बयान आए हैं कि भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, भारतीयों को वहाँ से बचा के निकालने का तो काम किया ही है, जो नेपाली अभी वहाँ फंसे हुए हैं उनको भी बचाने का काम किया जा रहा है, ऐसे में ये कदम उठाया जाना, मुझे लगता है कि इसके पीछे शायद कुछ दूसरी बात हो सकती है। वो बात समय के साथ सामने आनी चाहिए लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे नेपाल की आपदा की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।